हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एंड टूर। आज दो बहुत ही बड़ी बातें मेरे लिए। एक तो मेरी चैनल का 50 सब्सक्राइबर, 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हंसिए मत, अभी तो शुरुआत है। और दूसरी बड़ी बात है मेरे ओला का स्कूटर का 100 किलोमीटर 4 दिन में मैंने पूरा किया है। उसके बारे में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और आपको वो भी बताऊँगा कि उसमें मेरे ओला में इतने दिन मैंने चलाया 100 किलोमीटर, मेरे लिए कैसा रहा, सब मैं आपको बताऊँगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो ओला के बारे में और लोगों ने ओला के बारे में जो अफवाह फैलाई है, उससे मन में क्या इफ़ेक्ट होती है वो भी बोलूँगा। तो ये मैंने एक फ़ोटो खींची थी जो मेरे ओला में 100 किलोमीटर पूरा हुआ है। देखिए, मेरा तो अभी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही आया था स्कूटर। दोस्तों, पहले तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपसे। देखो, एक मन में डर रहता है क्योंकि ओला के बारे में लोगों ने इतना खराब किया है कि साला अभी मेरा स्कूटर जाते जाते रास्ते में रुक जाएगा, ऐसा थोड़ा माइंड में डर रहता है। और दूसरी बड़ी बात कि जो थोड़ा झूठ भी फैलाया है, होगा 2% 3% प्रॉब्लम होगा, इतने 50,000 स्कूटर डिलीवर किए हैं तो इतना तो कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें। और दूसरी मैं बात करने वाला था कि मेरे लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, थोड़ी भी झटके मार के नहीं चलती है गाड़ी, एकदम स्मूथ। आप पेट्रोल भूल जाओगे यार, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरी अपनी खुद की फीलिंग बता रहा हूँ। ब्रेक सिस्टम लाजवाब, स्पीड लाजवाब, और जो वाइब्रेशन है कुछ नहीं है गाड़ी में, वाइब्रेशन जीरो, जीरो वाइब्रेशन। मोटर की आवाज़ आती है थोड़ी सी, मगर वो भी 300-400 किलोमीटर के आसपास वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो ज़्यादा नॉइज़ नहीं है भाई, मोटर है थोड़ी तो नॉइज़ आएगी। एथर आप ले लीजिए, एथर का एक राउंड मार दीजिए, आप थक जाओगे उससे, पक जाओगे, इतनी आवाज़ देता है वो। और एक प्रॉब्लम मेरे को लगी गाड़ी में, साला कहीं भी पार्क कर दो ना तो थोड़ा डर सा रहता है कि यार गाड़ी का स्क्रीन पे कोई छू ना ले, चालू करके पासवर्ड 2-3 बार मार ना दे। तो पार्किंग की थोड़ी झंझट है, थोड़ा डर रहता है कि साला कोई मेरी गाड़ी को छू ना ले। और कितनी गर्मी है अहमदाबाद में, 44 थी आज, और मैंने आज 25 किलोमीटर 2 से 3 बजे में चलाया है। मेरा बिजनेस है, मैं तो कस्टमर को मिलने जाता हूँ उनके ऑफिस वगैरह मार्केटिंग के लिए, तो मैं ये चलाता हूँ। मैंने 2 से 3 बजे 44 गर्मी में, 44 टेम्परेचर था उसमें, मैंने उसको चलाया है। मैक्सिमम मेरा स्कूटर का टेम्परेचर 42 गया था, नो हीटिंग इश्यू दोस्तों, 42-50 तक मैंने इसको चलाया था नॉर्मल मूड में। और नॉर्मल मूड वेरी इनफ, मैं तो बोल रहा हूँ इको मूड भी सिटी में अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल मूड भी मेरे को तो कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। थोड़ा टोटल आप ज़्यादा घुमा लो तो ऐसे रॉकेट की तरह चला जाता है। और दोस्तों, जिसको ब्रेक मार मार के चलाने की आदत है ना, वो भी छूट जाएगी। मेरे पापा की ऐसी आदत थी, वो भी छूट गई, क्योंकि इसमें आप ब्रेक मारोगे एक्सीलेटर बंद हो जाएगा, अपने आप कट ऑफ हो जाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी मेरे को लगी है, ना कोई आवाज़ आ रहा है बॉडी में से, बहुत ही अच्छा है फील। आपको मैं एक बात बता दूँ, इसका सस्पेंसर है ना, आपको फील ही नहीं देगा कि आप खड्डे का, तो कोई फील ही नहीं होता। आप एक्टिवा चलाते हो खट 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 करके,
ऐसा आवाज़ आता है, इसमें कुछ भी आवाज़ नहीं है दोस्तों। आप लोगों की बातों में मत आइए, और कस्टमर का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बस एक ही प्रॉब्लम है, जो भावेश अग्रवाल ने वीडियो देखा होगा आपने, ऐसे स्कूटर के नज़दीक आते आते बोलते हाय भावेश, सब सिस्टम 7 महीने पहले का वीडियो था, अभी तक किसी को नहीं दिया वो सिस्टम। 2.0 में भी लगभग आएगी नहीं आएगी पता नहीं है मेरे को, मगर इसके बारे में सोचना चाहिए यार। कस्टमर ने भी पेमेंट दिया है आपको पूरा, आप उसको पूरा स्कूटर देना चाहिए, चलो वो भी आ जाएगा, मगर स्कूटर हमको बहुत ही बढ़िया दिया है, बहुत ही बढ़िया। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप लोगों की बातों में मत आइए, पहले आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, जाइए, मेरी भी बात मत सुनिए, बाद में अपना डिसीजन लीजिए। रियली ये बहुत ही बढ़िया स्कूटर है, आप चलाइए, मज़ा आ जाएगी दोस्तों। इतना मगज में अफवाह भरी हुई है ना कि हम थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं, 50-60% बैटरी होती है तो साला दिमाग सोचने लगता है कि यार गाड़ी कभी खड़ी ना हो जाए यहाँ पे। इत कब डर अंदर से जाएगा मैं आपको बता दूँ, जब 2.0 आ जाएगा सब डर ख़त्म दोस्तों, कोई इश्यू नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है, थोड़ा इश्यू इसके बारे में उसकी वजह से है तो दोस्तों तभी ये डर जाएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, 5000 का टारगेट है मेरा। तो दोस्तों गुड नाइट, टेक केयर, और लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, थैंक यू वेरी मच।